नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल पोस्ट इन्फो एंड फन पे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स अकाउंट से रिलेटेड रूलिंग। हम किसी भी पोस्ट ऑफिस में कितने सिंगल अकाउंट या फिर कितने जॉइंट अकाउंट को ओपन कर सकते हैं वो दोस्तों हम लोग आज क्लैरिफाई आपको यहाँ पे करने वाले हैं। तो दोस्तों आपने सुना होगा कि बहुत सारे जो हमारे सेविंग्स अकाउंट होल्डर्स हैं वो अलग अलग पोस्ट ऑफिस में बहुत सारे सेविंग्स के अकाउंट ओपन कर लेते हैं और अलग अलग दोस्तों वो जॉइंट अकाउंट ओपन कर लेते हैं। तो क्या ये कितने हद तक सही है, क्या ये रूलिंग के हिसाब से, मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा कि किस प्रकार से वो अकाउंट को ओपन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स अकाउंट के साथ साथ मैं आपको पेंशन अकाउंट के बारे में भी जानकारी दूंगा वीडियो के एंड में। मेरे साथ बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पोस्ट ऑफिस का जो सिंगल अकाउंट होगा, आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में सिंगल अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ एक ही अकाउंट जो है सिंगल आप ओपन कर पाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा भी है टॉपिक में, हाउ मैनी अकाउंट सिंगल और जॉइंट अकाउंट कैन बी ओपन DOP फिनेकल। तो पोस्ट ऑफिस, किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाके आप सिर्फ एक ही अकाउंट ओपन कर पाएंगे जो कि आपका सिंगल होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास चार डिपॉजिटर हैं, A, B, C और D। तो जितने भी डिपॉजिटर हैं वो सारे अलग अलग सिंगल अकाउंट ओपन कर सकते हैं किसी भी पोस्ट ऑफिस में। तो ए अलग से सेपरेट अपना सिंगल अकाउंट ओपन कर लेगा, बी सेपरेट अपना सिंगल अकाउंट ओपन कर सकता है, और सी और डी भी चाहे तो अपना अलग से सिंगल अकाउंट ओपन कर पाएंगे। तो चलिए ये तो थी हमारी सिंगल अकाउंट से रिलेटेड रूलिंग। तो आपको पता लगा होगा कि एनी इंडिविजुअल कैन ओपन सेविंग्स अकाउंट, सिंगल टाइप ऑफ सेविंग्स अकाउंट इन एनी पोस्ट ऑफिस, ओनली वन अकाउंट कैन बी ओपन्ड। तो सिर्फ एक ही सिंगल अकाउंट दोस्तों वो ओपन कर सकता है। उसके बाद दोस्तों जॉइंट अकाउंट के बारे में आपने सुना होगा, बहुत सारे जो हमारे साथी दोस्त हैं वो ये बताते हैं कि जो हमारा जॉइंट अकाउंट है वो सिर्फ एक ही जॉइंट अकाउंट वो ओपन कर सकता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये जो है रूलिंग नहीं है। वो चाहे तो कितने भी जॉइंट अकाउंट ओपन कर सकता है, लेकिन जो हमारे, देखिए आप यहाँ पर देख पाएंगे, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। तो ए, बी, सी और डी के तो अलग से ही सेपरेट सिंगल सिंगल अकाउंट हैं, लेकिन ए और बी का एक जॉइंट अकाउंट ओपन हो सकता है, ए और सी का एक जॉइंट अकाउंट ओपन हो सकता है, और ए और डी का एक जॉइंट अकाउंट हो सकता है। यहीं पे अगर चाहें तो बी और सी एक जॉइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, बी और डी एक जॉइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, इसी के साथ सी और डी चाहे तो एक अकाउंट जॉइंट का ओपन कर सकते हैं, लेकिन डी और सी जॉइंट अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे ए, बी, सी, डी कैन नॉट ओपन जॉइंट अकाउंट, यानी कि चारों मिलकर जॉइंट अकाउंट को ओपन नहीं कर सकते। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा, आप आज से पहले अपने सेविंग्स अकाउंट में सिर्फ दो डिपॉजिटर के साथ में ही जॉइंट अकाउंट को ओपन करते थे, जैसा कि आपका GSPR रूल्स था 2019। लेकिन अब दोस्तों अपना GSPR रूल्स 2023 जो नया SB ऑर्डर है 16/2023, उसके हिसाब से जो पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट के जो रूल्स हैं 2019, उनमें अमेंडमेंट कर दी गई है। अब आप मैक्सिमम जो 3 आपके अडल्ट्स होंगे वो मिलके एक जॉइंट अकाउंट को ओपन कर पाएंगे। तो देखिए जो आपका रूल 3(1) क्लॉज बी था, पहले जो एग्जिस्टिंग प्रोविज़न था वो था 2 अडल्ट्स जॉइंटली, यानी कि सिर्फ दो जो डिपॉजिटर होंगे वो मिलके एक जॉइंट अकाउंट ओपन कर पाएंगे, यानी कि दो जो बंदे होंगे वो एक अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। लेकिन अब दोस्तों जो रिलेटेड पार्टी 3 तक आप उसमें ऐड कर सकते हैं, यानी कि अगर मैक्सिमम 3 अडल्ट्स एक अकाउंट को ओपन करना चाहें सेविंग्स अकाउंट को, तो वो सेविंग्स अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं ये अमेंडमेंट हो चुकी है। तो ये अमेंडमेंट जो आपकी हुई है वो ही आप यहाँ पे देख सकते हैं SB ऑर्डर नंबर 16/2023 में, जो 18/7/2023 को आया था, सभी हेड ऑफ सर्कल्स को भेजा गया है ये। तो आप इस बात का ध्यान रखें, अब जो है जो मैक्सिमम अगर 3 डिपॉजिटर अकाउंट को ओपन करना चाहें सेविंग्स के अकाउंट को, तो वो अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। आप काउंटर पर उनको मना नहीं करेंगे कि एग्जिस्टिंग जो रूल था, जो आपका 2 डिपॉजिटर अकाउंट को ओपन करते थे, वो रूल अब नहीं है, अब वो 2 भी कर सकते हैं अकाउंट को ओपन, और मैक्सिमम 3 तक वो अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। ये रूलिंग दोस्तों पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स अकाउंट के लिए हुई है। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था ए, बी जॉइंट अकाउंट ओपन कर सकता है, ए और सी कर सकता है, ए और डी कर सकता है, इसके साथ में बी और सी अकाउंट ओपन कर सकता है जॉइंट, बी और डी कर सकता है, और सी प्लस डी एक जॉइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं।
लेकिन इसके साथ में अगर ये रिवर्स करना चाहें, यानी कि ए प्लस बी ने एक जॉइंट अकाउंट ओपन कर लिया और वो बी प्लस ए एक अकाउंट ओपन करना चाहें, तो ऐसा वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एसबी रूलिंग के हिसाब से जो दो सेम पर्सन होंगे वो एक ही अकाउंट ओपन कर सकते हैं, यानी कि चाहे तो वो ए प्लस बी एक सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हैं या फिर बी प्लस ए एक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, तो वो दो जॉइंट अकाउंट ओपन नहीं कर सकते सेम पर्सन। तो ये आपको हमेशा याद करना है कि ए और बी का अगर एक जॉइंट अकाउंट है तो बी और ए एक अलग से दूसरा जॉइंट अकाउंट ओपन नहीं कर पाएंगे। अगर ए और सी का एक जॉइंट अकाउंट है तो सी और ए दूसरा जॉइंट अकाउंट ओपन नहीं कर पाएंगे। अगर ए और डी का अलग से एक जॉइंट अकाउंट है तो डी और ए जो है वो अलग से एक अकाउंट को ओपन नहीं कर पाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने लिख भी दिया है कि ए प्लस बी, ए प्लस सी और ए प्लस डी का ऑलरेडी एक सेविंग्स का अकाउंट है, तो इसलिए डी प्लस ए, बी प्लस ए और सी प्लस ए अलग से जॉइंट अकाउंट को ओपन नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ से ये क्लैरिफाई होता है कि जो भी सेम डिपॉजिटर होंगे वो सिर्फ एक ही जॉइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, वो दो जॉइंट अकाउंट को ओपन नहीं कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों पेंशन अकाउंट के बारे में आपको बताता हूँ। तो पेंशन अकाउंट दोस्तों आप सिंगल भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अगर पेंशन अकाउंट जॉइंट ओपन करना चाहें तो आप जॉइंट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जॉइंट अकाउंट में कंडीशन दी गई है, अगर आप पेंशन अकाउंट को जॉइंट अकाउंट में ओपन करते हैं तो जॉइंट जो होगा वो सिर्फ स्पाउस के साथ ही होगा। जैसा आप सीनियर सिटीजन का कोई अकाउंट ओपन करते हैं अगर उसमें आप ज्वाइंट करते हैं तो वो भी आप स्पाउस के साथ ही ज्वाइंट करते हैं, तो इसी तरह आप पेंशन अकाउंट जब भी ओपन करेंगे तो आप वो जो अकाउंट ओपन करेंगे ज्वाइंट में वो सिर्फ स्पाउस के साथ ही ओपन कर सकते हैं। जैसा कि अगर हस्बैंड ने अकाउंट ओपन कर रहा है ज्वाइंट, तो जो सेकेंड होल्डर होगा वो उसकी वाइफ होगी, अगर वाइफ ओपन कर रही है अकाउंट को तो जो ज्वाइंट होल्डर होगा वो उसका हस्बैंड होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप एसबी में, मैंने आपको बता दिया है, किसी भी पोस्ट ऑफिस में एक ही सिंगल अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन जॉइंट अकाउंट वो चाहे तो कितने भी ओपन कर सकता है एक पोस्ट ऑफिस में, लेकिन जो सेम डिपॉजिटर होंगे दो वो एक ही अकाउंट को ओपन कर पाएंगे, यानी कि ए प्लस बी एक ही अकाउंट ओपन कर सकते हैं, बी प्लस ए दूसरा अकाउंट ओपन नहीं कर पाएंगे। तो चलिए उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो सभी को शेयर कर दीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन सभी को मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।